देखिए, लंच में जब आपके पास ज़्यादा वक्त ना हो खाना बनाने का, तो हम एक ऐसी रेसिपी की तलाश करते हैं जो कम वक्त में बने और स्वाद उसका बरकरार रहे। तो ऐसी ही एक रेसिपी है, बिरयानी या फिर पुलाव उसको हम बोल देते हैं। तो आज वही हम बनाएंगे, बिकॉज काम अभी और बाकी है, भूख लगी है, तो खाना खा के जल्दी काम स्टार्ट करना है। तो बिरयानी बनाने के लिए व्हाट वी नीड, कि सबसे पहले तो पैन में हमने एक स्पून बड़ा घी गरम कर लिया। यू कैन यूज़ ऑयल ऑल्सो, हम देसी घी यूज़ किया, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमने अनियन लिया है, हरी मिर्च लिया है जिसको हमने चॉप करके रखा है, और इसमें हमने अपना एक पेस्ट तैयार कर लिया है जिसमें जिंजर, गार्लिक और कुछ खड़े मसाले। आप चाहे तो खड़े मसाले को अलग से क्रश कर सकते हो और जिंजर गार्लिक पेस्ट को अलग से कर सकते हैं, बट एज आई टोल्ड अर्लियर कि ज़्यादा वक्त ना हो तो इन सबको मैंने क्या कर लिया है, मिक्स कर लिया। दूसरा मेरे पास ये घर का बनाया हुआ मसाला है जिसको आप बिरयानी मसाला बोल सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा मैंने ऊपर से हल्की सी एक चुटकी भुना हुआ जीरा, वो मैं अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, ये एक न्यू एक्सपेरिमेंट है, इसमें टेस्ट करके देखते हैं। अगर आपको रेसिपी जाननी है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस मसाले में डाले गए हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी मैं एक बार लेट कर लेता हूँ अपना स्टोव। मैंने थोड़ा सा प्री हीट करके अपने घी को रखा था, तो अभी मैं डायरेक्टली इसमें आई विल पुट इन ऑल द मसाला और ऑल द जिंजर गार्लिक एंड सो हियर इट गोज, एंड आल ऑल्सो पुट दीज चिली फ्लेक्स। सो जब ये थोड़ा थोड़ा सा साथ में भुनती हैं तड़का के साथ में, तो एक तो चरचरापन जो मिर्च का है वो पूरे खाने में आपके आ जाता है, दूसरा थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन कलर की जब ये होती है ब्राउन कलर की, तो बहुत अच्छी लगती है, क्रिस्पी टेस्टी खाने में। चलिए इसको 1-2 मिनट के लिए हम पकने देंगे, उसके बाद जाएगा हमारा अनियन इसमें। सो 1-2 मिनट हम इसको सौते कर लेते हैं, हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि ओवर कुक ना हो जाए, जल ना जाए हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट और जो चिली फ्लेक्स हैं, ठीक है ना। और ये हल्का हल्का गोल्डन कलर का होने लग गया है, अब इसमें मैं डालूंगा अनियंस, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ ऑयल का या घी का, तो कम होगा बस ठीक है, सफिशेंट है जितना मुझे टेस्ट के लिए चाहिए। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको वेरी कर सकते हैं। ये देखिए जिस गोल्डन कलर की मैं बात कर रहा था, आपको चिली पे भी दिखाई दे रहा होगा और मसाला पे। अब अगर इसको आपको क्रिस्पी टाइप रखना है, तो आप इसको खुला रख के ऐसे ही स्टिर करते रहेंगे, अदरवाइज अगर थोड़ा सा आपको इसको सॉगी बनाना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप इसको सिम पे करेंगे और सिम पे करके इसको लिड से ढक सकते हैं। बट जो मुझे पसंद है वो थोड़ा सा क्रिस्पी टाइप, जब ऑनियन रिंग टाइप हो वो वैसा पसंद है, तो आल कीप इट ओपन ऑनली, ठीक है ना। वो आपकी विश है कि आप इसमें किस तरीके से उसको करना चाहते हो, क्योंकि कुकिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन यार। कुकिंग में आप जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं उतने करिए अपने टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। वो आपकी क्रिएटिविटी को भी बढ़ाएगा और आपका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट भी आपको पता चलते रहेंगे। चलिए अब इसको हम होने देते हैं अभी। अब इसके बाद जाएगा पोटैटो, और पोटैटो के बाद उसमें थोड़ा सा मसाला, जितने भी बेसिक मसालेस हैं, देन एट लास्ट राइस फिल्को, ठीक है जी। और इसमें अगर कुछ वेरिएशंस आपको ऐड करने हो, तो यू कैन ऐड मोर वेजिटेबल्स। अभी मेरे पास ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं थी, आप इसमें कैप्सिकम ऐड कर सकते हो, आप इसमें पीज ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मशरूम ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कैरेट ऐड कर सकते हैं, जो भी अवेलेबल वेजिटेबल आपके पास है
यू कैन ऐड, बिकॉज मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, हार्डकोर वेजिटेरियन, तो मैं प्रेफर करता हूँ जो भाई या बहन नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद करते हैं, दे कैन यूज चिकन और मीट ऑल्सो। देखिए अभी पोटैटो इसमें चला गया, करेंगे जी, और साउंड होती है ना खाने में तड़के की, इट फैसिनेट्स लॉट्स ऑफ पीपल इंक्लूडिंग मी। अच्छा शेफ इस आवाज से खाने को पहचान सकता है कि खाना कैसा बनेगा, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि इस आवाज से कैसे पहचानेगा, ठीक है, आवाज कितनी देर ये रहेगी और किस तरीके की आ रही है वो डिपेंड करेगी कि आपने अपना तड़का जला तो नहीं दिया है या कैसा। अभी आप इसको होने देते एक दो मिनट, तब तक हम क्या करेंगे, इसमें बेसिक आपको अगर और कोई मसाला ऐड करना है, जैसे मेरे पास है अमचूर, ये धनिया पाउडर, इसमें हल्दी मैं यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज हल्दी अगर आपको पुलाव टाइप बनाना है आप उसमें हल्दी यूज़ कर सकते हैं, और बिरयानी टाइप में आई प्रेफर वाइटिश हल्दी, तो उसमें मैं यूज़ नहीं करूँगा टर्मरिक का। अभी इसमें मैं डालता हूँ हल्का सा अमचूर पाउडर ताकि वो खटास आपका रहे। उसके बाद कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, ठीक है, ये एक जनरल सीजनिंग होगी। अब जो मेरा बिरयानी मसाला है इसको मैं बाद में ऐड करूँ, अभी के लिए इतना ही काफी है। अब अगर आप इसमें देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ लोग टमाटो भी यूज़ करते हैं तो टमाटो प्यूरी का यूज़ कर सकते हैं या टमाटो ऊपर से यूज़ इसमें भी कर सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट जनरली इट इज़ नॉट एडवाइज्ड कि आप टमाटो को यूज़ करें। तो आप थोड़ा सा अगर चाहें तो इसमें हल्का सा वाटर ऐड कर सकते हैं इस टाइम पे, इतने से वाटर तो आपका काम हो जाएगा। अभी एक दो सेकंड के लिए आप इसको क्या करेंगे, अब हम अपने लास्ट इंग्रेडिएंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है राइस, और राइस की क्वांटिटी मैंने दो लोग हैं हम तो दो लोग के हिसाब से मेज़र की है, आप अपने हिसाब से मेज़र कर सकते हैं, और उसी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें वाटर ऐड करना पड़ता है, वो अराउंड डबल या ढाई गुना पानी क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस बर्तन में बना रहे हैं। तो अभी हम राइस ऐड ऑन करेंगे, ये थोड़ा सा पानी काले जाने देंगे ताकि वाटर, तो कुछ ऐसा कलर मेरी बिरयानी का है। अभी गार्निशिंग के लिए मसाला है वो मैं ऐड करूँगा, बट प्रायर टू दैट जैसे पाजी बोलते हैं नमक शमक, तो भूपिंदर पाजी बड़े शेफ हैं आजकल, जैसे रणवीर पाजी है उनसे पहले भूपिंदर जी, तो इसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं डाल सकते हैं। आज स्प्रिंकल आप चाहें तो इसमें रॉक सॉल्ट का यूज कर सकते हैं, मेरे पास इट इज सफिशिएंट, आप चाहें तो स्पून के हिसाब से डाल सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको एक बार स्टर कर दे रहा हूँ।
ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सॉल्ट हमारा। अगर कम ज़्यादा रहता तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप बाद में भी क्या कर सकते हैं एड ऑन कर सकते हैं, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी लो ही रखें, क्योंकि अगर लो है तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, बट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बाद में उसको कंपनसेट करने में दिक्कत आती है। नाउ इट्स टाइम फॉर माई फाइनल गार्निशिंग। और मेरा जो बिरयानी मसाला है घर का बनाया हुआ वो मैंने एड ऑन कर दिया है। और इसके बाद फाइनल स्टेप, अब मैं इसको क्या करूँगा, लेवी करके रखता हूँ, ठीक है जी। अभी इसको हम थोड़ी देर अराउंड मीडियम आंच पे रखेंगे, ये मैंने देखा मीडियम करके रखा है, और इसको हम मीडियम आंच पे रखेंगे 10 मिनट के, फिर उसके बाद चेक करेंगे। चलिए मिलते हैं जब ये फाइनल तैयार हो जाएगा उसके बाद। देखिए अभी हमने सर्व कर लिया है, इसमें और टेस्ट को ऐड करने के लिए व्हाट आई विल डू, ये पिकल है घर का बनाया हुआ, ये है आम का अचार, और वो भी आम का अचार छिली हुई आम का। ये एक स्पेशल रेसिपी है जो हमारे घर में हमारे रिलेटिव हैं उन्होंने बनाई है बहुत प्यार से, तो जो मिसेस हैं उनको ये चीज़ बहुत पसंद है, तो उनके लिए डबल और मैं एक। तो अभी आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगता है वो चेक करके बताते हैं, ठीक है ना। देखिए करिए चेक, आप एक बार टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा लगता है। ये हमारा चटनी, चेक करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा टेस्ट रहेगा। बहुत ही ऑसम टेस्ट है, देखिए जो मसाले हैं उनका फ्लेवर अलग से आ रहा है, और वेजीज जो हैं बहुत क्रिस्पी हैं, और पोटैटो भी अनियन भी, और चटनी ने उसमें 4 चांद लगा दी है, और उसके ऊपर अचार। सो होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी।